हेलो फ्रेंड्स, आज एक मशीन मैंने ख़रीदा, ये पेंट करने के लिए है। बहुत छोटा काम, छोटा मूर्ति, छोटा आइडल, छोटा म्यूरल, ये सब कलर करने के लिए जो स्प्रे एयर गन है, तो इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे आपको, प्रोसेस भी दिखाएंगे, इसका यूज़ कैसे करें आप लोग को दिखाएंगे। तो वेलकम टू माय आर्टिक चैनल फ्रेंड। चलिए, ये जो मशीन है ये बहुत ही छोटा कंपेशर मशीन है। इसमें एज ए आर्टिस्ट इसमें कोई मैंने मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कोई मेहनत करना नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो पूरा डिटेल यहाँ पे देख के रखा, ये देखिए, मेरा इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन जो है उसमें पढ़ के देखा, जो वायल का ये सब एक्स्ट्रा जो झमेला रहता है ये इसमें कुछ नहीं है। और सबसे अच्छा है, जैसा बड़ा मशीन में क्या होता है, आपको कैरी करना बहुत, साइड में लेकर जाना बहुत प्रॉब्लम होता है, तो ये ज़्यादा वेट नहीं है, 3 किलो के आसपास है, तो बहुत इजी कैरी करने के लिए। यहाँ पे तो 7,000 7,500 का आसपास प्राइस लिखा है, तो ये ऑनलाइन में आपका 4,500 में मिलेगा। सस्ता भी है और काम भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए देखते इसमें क्या है। ये देखिए अमेज़ॉन का बिल है, ठीक है, और मैं लिंक भी दे दूँगा। ये बहुत ही काम का मतलब लगा, मैं यूज़ किया, ठीक है। ये मैनुअल है, इसमें मैं पूरा बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये हॉस पाइप है, ये बहुत ही लंबा है, ज़्यादा मतलब आपका काम आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको निकाल लेता हूँ, ये साइड से निकालना पड़ेगा। इसमें छोटा मोटा कुछ फंक्शन है जो थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। आप एकदम यूज़ कर सकते, ठीक है। तो धीरे धीरे इसको निकाल लेता हूँ, थर्मोकॉल। ये पैकिंग अच्छा है, बहुत ही अच्छा पैकिंग है, ठीक है, कोई डैमेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए बहुत ही छोटा है, इसमें सब कुछ है, जो बड़ा मशीन में जितना जो भी होता है इसमें सब कुछ है। इसका प्रेशर भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो चलिए, बहुत ही क्यूट लगा मेरे को, बहुत ही अच्छा है। इसमें देखिए कैरी करने के लिए अच्छा हैंडल है। इसमें जो जो पानी पानी ज़्यादा हो जाता है उसको निकालने के लिए थोड़ा ये नॉब है, ये जो प्रेशर आपको कंट्रोल कर सकते, ठीक है ना। और इसमें मीटर, जो प्रेशर का वो मीटर भी दे दिया, ठीक है। और ये आउटलेट है, यहाँ से आप हॉस पाइप जो है आप कनेक्ट कर सकते, ठीक है। तो एक साइड, कोई सा भी एक साइड आप कनेक्ट कर लीजिए। और इस साइड में आपको गन, एयर गन जो है आपको, तो ये एयर गन भी मैंने खरीद लिया, ये अलग से खरीदा। ये आपका प्राइस आपका 1400 रुपया, ठीक है। तो ये एयर गन यहाँ पे देखिए बहुत ही यूनिक लगा मेरे को, छोटा हैंडी और कुछ ये स्क्रू वगैरह टाइट देने के लिए, बाकी पानी के लिए मतलब कलर डालने के लिए। ये देखिए बहुत ही हैंडी स्ट्रॉन्ग एकदम मटेरियल है, पूरा स्टील का, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये नॉब नहीं चाहिए, ये हाँ ये तो खोलना पड़ेगा, इसको खोल के निकाल देता हूँ और यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप खोल के कलर डाल लीजिए,
ठीक है। ये देखिए यहाँ पे रेगुलेटर, मतलब इसमें कंट्रोल कर सकते हैं ना, छोटा मोटा फंक्शन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें पीछे का जो नेल है इसको थोड़ा आगे पीछे करके इसको प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये स्विच है तो बहुत ही हैंडी है। चलिए अभी देखता हूँ इसमें ऑन करके कितना। तो देखिए ये साउंड बहुत ही काम है, एकदम साउंड नहीं है, तो कोई कोई ज़्यादा आपको काम करते हुए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये ऑटोकैट सिस्टम है, वाह बढ़िया है। ये ऑटोकैट सिस्टम भी है, ये ऑटोमेटिक, देखिए यहाँ पे प्रेशर फुल हो रहा है और ऑटोमेटिक ये ऑफ हो रहा है, अच्छा है। देखिए ऑटोमेटिक ऑफ हो रहा है, थोड़ा मशीन वाइब्रेशन हो रहा है तो थोड़ा संभाल के रखिए। तो चलिए एक बार थोड़ा टेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। ये वार्निश टाइप का है, कुछ कलर लेके देखता हूँ। ढक्कन लगा देता हूँ, चलिए। नहीं मेरे को लग रहा है इसमें कुछ सेटिंग का प्रॉब्लम है, सेटिंग ठीक से करना पड़ेगा। चलिए हाँ अभी ठीक लग रहा है, ठीक है ना, अभी ठीक लग रहा है। अभी ज़्यादा ज़्यादा निकल रहा है तो वार्निश के लिए तो ये अच्छा है, पूरा ओवरऑल इसका ये हो जाएगा। तो चलिए ये काम जो है मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था इसका कास्टिंग, तो इसको एक बार कलर करके देखता हूँ, ठीक है। देखिए अभी थोड़ा ब्लैक मतलब डार्क टोन जो है इसका शेडिंग कर रहा हूँ, यूनिक लग रहा है, बहुत ही यूनिक। हैंडलिंग यहाँ पे देखिए कितना डेप्थ नज़र आ रहा है, रिलीफ में भी 3D फीलिंग्स आ रहा है। तो फ्रेंड थोड़ा जो आप लोग जो काम करते हैं कोई मूर्ति वगैरह, तो ये बड़ा मशीन खरीदने का कोई ज़रूरी नहीं लगा, ये छोटा मशीन आप ये काफ़ी है, बहुत ही अच्छा काम होगा। और कैरी भी कर सकते हैं, एकदम छोटा पैकेट में आप लेके जा सकते हैं, साउंड भी ज़्यादा कुछ नहीं है, है ना। 220 वोल्टेज करंट में भी आप काम कर सकते हैं, प्रेशर भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है तो ये देखिए गोल्डन कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो एक्रेलिक कलर है इसको भी, तो ये कलर आप जो भी कलर यूज़ करेंगे इसमें एकदम पूरा क्या बोलते हैं उसको, नेट से पूरा छान के आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि नीडल जो है बहुत ही फाइन है, बहुत ही सेंसिटिव है, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, साफ सफाई भी अच्छा से करना पड़ेगा, ठीक है। काम करने का बाद बाकी तो सब कुछ एकदम ईजी है, आप काम कीजिए, ठीक है। देखिए कितना अच्छा है, मतलब मैं पूरा इसका पेंट किया, पूरा कोई भी ब्रास यूज़ नहीं किया, तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और भी काम करूँगा, आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड थैंक यू।